भाई हमारी तो जिंदगी तबाह कर रखी है औलाद ने। अब के बालक के पीछे पड़ रहा घंटा भर होगा, हो सीना ले रहा। ए कमकल बीरबानी, तेरे लाड़ प्यार ने तो बिगाड़ रखा आयु। भाई चाचा यार, तुमसे भी हैरत है, तुम्हें पता ना इसके दिमाग में कमी आ रही है, इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है बतलाओ जरा। कसूर तो मारो मारो कसूर तो, या बीरबानी है या औलाद ने जो है ना मेरा दिमाग खराब कर रखो। देख ले बुड्ढे कैसी जीभ चला रहा, चुप रह जा नहीं तो सुन लेगा मौत है कुछ अच्छी बुरी। इतनी तो अकल है तुम में, दिख थोड़ी रहे हो तो कोई बाहर को आदमी बैठो, चुप थोड़ी रह सके तू। हाँ बहुत बड़ा सहनसा आयो, रुखसाना के आगे बोले भी ना, चुप बैठा रहे नहीं चलायो। चाची मुझे लग रहा तुम गलत फहमी का शिकार पड़ी हो, कल सांझ की ना पता खूब हाथा पाई हुई है हमामे। हाँ सारी पता हमो, तेरी सारी कमर पे लील पड़ रहे खूब ढेड़ा तू। ऐसो कहाँ पल्ले पड़ गो, जाते कमर ही उपाड़ दी। चाचा प्लास्टिक का पाइप है इतना बड्डा, हमारा शाहरुख ना हैगा बेकूफ, लियाकत के नासा उठा लाया उसको और जाहिल उसको बरामदे में डाले पड़ा। बस रुखसाना के लग गया हाथ, मैंने तो खूब कही चाचा रुखसाना अब की दफा माफ कर दे, आगे से गलती ना करूंगा। पर चाचा मामला वो ही रहता, अनपढ़ जनानी है ना मानी, उपाट डाली कमर देखी ना तो मैं दिखलाऊं। देखो वही तो सही में सुझा दी, नील गिर रखे अंत खाली तो पाइप पड़ा हो तो मोला कर दीजा तनवा। हाँ चाची पढ़ा दे दूंगा घर ही पढ़ा। हमारे तो ये जो है ना बहुत पढ़ी लिखी है, खालिद इनका परिवार जो है ना बहुत संस्कारी है, बहुत बढ़िया अच्छा हो। हमको तो भैया हमारे सास ससुर जो है ना भगवान समान है। तुम्हारी यही बात तो तुम्हें और अंत अलग बनावे। हटिया रे, मैं इनको गर्म पानी लाऊं नहाने को। अब भाई खालिद समझ गया, ढो रतन ग्यारहवीं में दाखिलो ना ले रो पता, बिगड़ पढ़े लिखे कौन चले आज की डेट में, वे समय कुछ और है जब हम जो बिगड़ पढ़े लिखे कामयाब हो गए और आज मौज ले रहे बता। चाचा एक दफा अपनी बगल दिख ली हो जरा, कहा देखे कामयाबी झाकू तुम्हारी। अमन बेटे ये हाल होता पढ़ते लिखते ना तो, मेरे टोपे में देख जरा कितने छेद हो रहे, भैया कोई फैशन ना आए कभी, तू इसे फैशन समझ रहा हो। जिस दिन पैसे का इंतजाम हुआ ना मुझ पे, अब्बू के लिए नया टोपा लाया मैं खरीद के, और अब्बू का पुराना टोपा मैंने ले लिया। ये हाल रहते हैं बिना पढ़े लिखे तो भैया, टाइम ही कटता। चाचा स्कूल में पशु बालक लड़े मारे मो। ऐसा चाचा स्कूल बदलवा दो ना इसका। बदलवा तो रहे हूँ अब के ही, पिछले स्कूल में जो दो तीन साल की फीस रुकी पड़ी ही, हमारे तो पिताजी बदलवा देख रहे इतने दिन में स्कूल, मैं भी बदलवा रहा हूँ, पिछले स्कूल की 50-60 हजार रुपया फीस हो रही है। नौ बदलवाता ना तो चक्कू लग जाता इतने रुपया को, अब मैं आता न्यू कह रहा हूँ एक साल और निकाल दिया नए स्कूल में, ठह तेरी ग्यारहवीं हो जाएगी, किंग ब्याह को मिजौन लगते ही पढ़ाई छोड़ दी जा। अब बताए हम गलत कहा कह रहा हूँ मैं आते। है चाचा ये वाला सिस्टम तो बढ़िया लिए पड़े हो यार तुम, स्कूल वाले कहते ना तुमसे कुछ फीस के लिए। क्यों ना कहते हैं, खूब कहवे घर तक आ जाओ फीस मांगने को, पर भैया मैं भी पूर हूँ, बगल दिखा दूं या ऊपर को मंथिया, हमारे तो फटे हाल है, हमार धोर ना फीस, बगल है सूंघ के नशा से चले जा चुप। भैया अमन जो चाचा कह रहे उस बात को अमल में ला। No. स्कूल तो चला जाऊंगा चाचा, पर फिर जब वहाँ लड़ाई होगी मैं पीटेंगे बालक, फिर कौन देखेगा। यो, 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 यो। बे भैया तू मारपीट को लेकर क्यों परेशान हो रहा, तेरे संग में जो भी कोई लड़ाई झगड़ा करे बदतमीजी करे तुम उधर चाचा को इंतला कर दियो, उसका नाम और पता अपने आप संभाल लेंगे बात को। है कोई तरकीब कभी हमारी देहिया तोड़वावे हंस के। चाचा चाल तो रहती है बाज की, नजर रहती है चीते की, और दिमाग रहता खालिद का, इस पे कभी शक ना करना तुम। शक तो ना कर रहा, ऐसा तो हरामी है तो पूरा है।
पर चाचा एक मसला समझ में ना आ रहा, तुम कह रहे हो ग्यारहवीं को कर ले, ग्यारहवीं को कर ले यार, दुनिया बारहवीं के लिए कह रहे, तुम ग्यारहवीं के पीछे पड़ रहे हो, उनका एक साल कर ले फिर ब्याह हो जाएगा, ये क्या मसला? अब ग्यारहवीं की सुन ले भैया, हमारे जो दादाजी है उनको ब्याह हुआ ग्यारहवीं में एडमिशन लेते हैं, हमारे जो पिताजी है उनके फेरे पड़े ग्यारहवीं में ही। अब मेरी भी सुन ले, मेरा ब्याह किंग ही तो हो नहीं रहा हो, मैंने ले लिया ग्यारहवीं में एडमिशन, जा दिन मेरा रिजल्ट आया वही दिन मेरी पहली चिट्ठी होगा मेरा भी। अब आखिर भी वही हालत है, दिमाग तो पैदल है, ब्याह किंग ही तो हो नहीं रहे हो, हम सोच रहे हैं वही लहनी फागड़ी पड़ जाएगा ग्यारहवीं, आप ग्यारहवीं में एडमिशन ले लेगो तो आपको ब्याह हो जाएगा। वाह भैया सही कह रहे चाचा, चाचा की बात को अमल में ला, और तुझे कोई दिक्कत परेशानी स्कूल में बनती है तो मुझे और चाचा को इंतला कर दे। ठीक है चाचा, जब तुम कह रहे हो तो चला जाऊंगा, कल कर लूंगा बाबा के कहने से ग्यारहवीं पास। चला जाएगा ऐसा ना समझदार है लोंडा। लो जी गरम पानी ले आई मैं तुम्हारा नहाने को। ठीक है बाबू, ठीक है नहा रहा हूँ मैं अभी, खाली जाती हूँ भी अब मैं नहाऊ, और जो नहावे तो बाल्टी भरी धरी आ जा नहा ले। चाचा क्यों पानी को बिगाड़ रहे हो यार, इतने पानी में तो हमारा पूरा महिला नहा लेगा। अब तेरे राजिया भैया हम तो नहा गए। अरे कहाँ जा रही है चुपचाप, खाने को केला आई है यू दिखा। ए दीदी देखियो आज तो मैंने घर पे भी कुछ ना खाया और मैं लेके भी थोड़ा सा ही आई हूँ बस आज तो। यहाँ का फिर किसी की शादी में आई है? बोलती बहुत है तू, प्यार से दे दे वरना दूसरा तरीका भी आवे। एंज भाई साहब ये जो रोटी ने छीन रहे हैं कैसा गरीब गुरबा का? अरे पागल ये गरीब गुरबा नो है, ये स्कूल के डॉन है, इनके सामने कर नाल नीची करके चुप लेकर जाइए और रोटी ना और दे जाइए जो टिफिन में धर रखी है तेने। तो मैं क्या खाऊंगा जब मुझे भूख लगेगी? तो हॉस्टल में खा लीजो, 9 तक तू भूखो मर रहा। ये क्यों ना खाते हॉस्टल में? इन्होंने हराम को खाने की आदत पड़ रही है, या हमारा ना खाए। कहा नाम है तुम्हारा? क्यों आधार कार्ड बनवाएगा? अरे तुम इतनी बड्डी होगी तुम्हारा आधार कार्ड ना बना अभी। हाँ भाई आकाश बाबू, आज क्या परोसा लाए हो? भाई आज तो सोमवार है, मैंने ब्याह के मारे व्रत रख रखा हुआ है, ये हमारा कुछ भी ना लाया। अरे मर जा जा। हाँ भाई हीरो अब तू आ जा। और जी बस यहाँ गई। अरे बस। अरे खाने में क्या लेके आया है? खाने में शकलकंदी। हाँ तेरी शकलकंदी बता रहा हूँ। अरे मेरे लिए नहीं कह रहा, तेरे लिए कह रहा है। हाँ भाई तुझे बहुत होशियार है, यहाँ पे खड़े खड़े यहाँ कॉमेडी चल रही है। तुम बता तुम क्या लेके आयो खाने में, निकालो उसको। रैप्टर आई हूँ खाएगा। यो, 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 यो। शिवा निकाल इसके बैग से क्या लेके आया है। चाचा देख रहा रे फोन बज रहा है यार तुम्हारा, इधर भी ध्यान दे लो जरा सा। हेलो बाबा,
भैया स्कूल में खिलौना न मारो। यो, 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 यो। मारो किसने मारो, किसको टाइम खराब आ रहा है? मुझे दिखलाओ चाचा क्या मसला, में देख लाओ। हाँ मन भैया क्या बात हो गई? चाचा आज के लॉकडाउन में धक्का दिया, मैं गिर गया स्कूल में, हरामी है लौंडा चाचा बहुत। अरे तो भाई घबरा क्यों रहा, जिसने भी तेरे संग में जाती करी है उसका नाम पता चाचा के फोन में डाल ले। हाँ हाँ चाचा, मैं बाबा के टेलीफोन में गिर रहा हूँ, वहाँ का नाम पता। चाचा यार पोता तो तुम्हारा, घबरा जल्दी जा, डर रहा। अरे कहाँ बताओ, जब तक दिमाग में चोट लगी है ना, घबरा जल्दी जावे, डरे खम खम में पता ना। कोई बात ना, चलो फार्मूला नंबर 77 लगाते हैं, आ जाओ। फार्मूले काम करेंगे चाचा इसमें ना। और देखिए बेटा तो और बाबा यार है तो रंगे, देखिए तू। ए भाई एक बात सुन, तेरा बाबा पुलिस में है का? ना। अच्छा नेतागिरी में? ना। अच्छा तो बदमाश होएगा? पहले ये बाबा जवानी बदमाश, अब ना। तो फिर कैसे देख लेगा यार? तो पता ना मेरे बाबा की, मेरे बाबा के जो दोस्त है ना चाचा खालिद, वे दोनों जो है ना मिलके यहाँ को कुछ ना कुछ राह निकाल देंगे। अच्छा जी, और का? अरे आकाश तू यहाँ बैठो, रुचि मैम की क्लास शुरू होने वाली है। अरे बैठ जा, अभी भतेरो टाइम है। यू कौन है? यू अमन है, नयो एडमिशन। हेलो, अरे तू तो हेलो कह रही है, बोले क्यों नो है? है तो पहले फोन तो करवाया, पे तो बिन फोन कर रही हेलो कह रही है। अरे लाली या का थोड़ा पेस ढीला है, हो जावे न्यू न्यू को। परी ये थप्पड़ वाली लड़की मुझे अच्छी लगी, इससे मेरी दोस्ती करवा दे। अरे पागल हो रहा, देखा ना चाटा मानू कह रही। पागल तू है, भाई ने बोला तो बोला, तू नहीं जाएगी मैं जाऊंगा। अरे पहले अपना मुंह धो लेना तब जाना। ए भाई जब तक तू यहाँ बैठा हो है या लौंडिया की ओर कोई देख रहा हो है, कहा चक्कर है? अच्छे है यो, अच्छे लग रही हूँ। अच्छी है तो कैसा ब्याह करेगा यासू? करवा दे यार। मैं मजाक ना कर रहा, सही कह रहा हूँ, बूझ ले एक बार यासू यार। पूरा तो यासू काय को कह रहा, खुद जाके बात कर लेना। ए मो डर सा लगे। ए उत्ते डरे मत ना, डर के आगे जीत होवे। जा 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 जाऊं तो जाऊं? जा 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 जा, जा। अरे व्हाट, कहा नाम है तेरा? क्यों आधार कार्ड बनवाएगा क्या? आधार कार्ड नहीं रे, अपने भाई को पसंद आ गया तो उसे दोस्ती करना चुपचाप। अच्छा तो दोस्ती करनी है तो चुपचाप क्यों करनी है, थोड़ा धमाका हो जाए। हाँ बे तू क्यों आया था? मैं जी हमारा आया जी, हमारे ताऊ का लौंडा ना जी, वो आधार कार्ड बनावे, और जो तुम आधार कार्ड बनवाना हो ना तो बता दीजो, उनका जनसेवा केंद्र है, बस तुम एक अपना फोटो दे दीजो और नाम पता बता दीजो, सस्ते में ही करवा दूंगा। तुम मेरे आधार कार्ड की टेंशन मत ले, समझ आया? अपने दिमाग का इलाज करा, चल निकल यहाँ से। दम पीड़ा उठे आ।
सुनाओ जी, कौन सो आए, कैसे किसान हुए आपका? भाई साहब, जैसा कि अज्ञात सूत्रों से पता लगा, आपका नाम बलवंत राय है ना? नाम तो मेरा बलवंत राय है जी, पर प्यार से लोग मुझे बल्लू कहते हैं। भैया, लोग बाग कहते होंगे तुझे प्यार के संग बल्लू, हम तो तुझे नफरत से बलवंत राय कहेंगे। मजाक कर रहे हैं जी, मजाक मजाक करने की आदत है आकी तो। हम तो कौन सो आए छोटे से इस्तेमाल धो रहे। अच्छा तो बताओ जी, क्या काम है? तुम्हारे एक बालक बतायो अजय नाम को। ओ अच्छा अच्छा, तुम हमारे आए हो, बैठो बैठो, मैं भी आया, तुमको चावल बनवाओ एकदम। अरे रुको 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 रुको, चावल है तो तुम, ठंड सी हो रही है तन, रम पड़ी हो तो दो पैक रम। ए चाचा, ये कैसे जिनावर पंती कर रहे हो यार तुम? है तो कहा जोर पड़ रहा, तू आपको चाय मंगवा ले। तो बलवंत राय जी, फिर ऐसा करियो तुम, है ना, जो चाचा के लिए चाय बनवाते ना उस वाले दूध को ले लियो, और जो मेरी चाय में दूध डलवाते उस दूध को ले लियो, दोनों दूधों को एक संग करके उसमें पत्ती लगवा दो, और बिस्कुट ना भी हो तो कोई बात ना, जरा से दाल छो लिए। मैं यूं कह रहा हूँ जी, जुगाड़ तो सारे हो जाएंगे, ये पीने पाने को घर में ठीक ना हो, कहीं भारे कौन में करवा दूं हिसाब किताब आपको। कौन तो मैं करवा दी जो हम कहा, जोड़े ठीक रहे ये कौन पीने पाने के। ठीक है तुम बैठो, मैं थोड़े इंतजाम करवा के आता हूँ अभी, अब बैठो आराम से। खालिद, तीर तो कत निशाने पर लगो है। बिल्कुल चाचा, ये ही जानना है तो कि तेरे लौंडे के ब्याह के लिए आए। अबे यार, पूरी ठंड जो नहीं लिखड़गी किंगे, तभी खंबा का जुगाड़ हुआ ही ना। खंबा तो चाचा पीते रही हो, पर इसको तब बतलाना सारा मसला, पहले पूरी खातिरदारी करा लियो। और का तुम वो पागल जान रहो, जब ही बताऊंगा जब जो पूरा पेट पूजा हो लेगी पहले। बहुत बढ़िया चाचा। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। देखो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है कि हमारा 11वीं कक्षा का हमारी पढ़ाई में बहुत बड़ा महत्व है। कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि हमने 10वीं बोर्ड दे दिया है तो हमने क्या पा लिया है, हमें अब सब कुछ मिल गया, हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचें कि आपको सब चीजें मिल चुकी हैं, अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अब आपको ये देखना है, जिस तरीके से आपने 10वीं बोर्ड में मेहनत की थी, लगन से पूरी, मैंने आप सभी बच्चों को देखा था, आपने कितनी मेहनत की थी जोरों शोरों से, आपके माता पिता ने भी पूरे जोर शोर लगाए थे, इसी तरीके से आपको 11वीं कक्षा में भी मेहनत करनी है ताकि आप 12वीं बोर्ड के लिए तैयार हो सके। मैडम जी, 10वीं के बाद 12वीं तो बोर्ड है, हर जगह नौकरी में 12वीं के कागज लगेंगे। बच्चे, अगर आपको स्कूल की छत पे जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? मैडम जी, सीढ़ियों से। बेटा, जिस तरीके से आपको स्कूल की छत तक जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ी है ना, उसी तरीके से आपको 12वीं कक्षा तक पहुंचने के लिए 11वीं कक्षा का पास करना बहुत जरूरी है। ठीक है मैडम। यहाँ पे कुछ बच्चे पुराने हैं, लेकिन कुछ बच्चे नया एडमिशन लेके आए हैं, तो पुराने बच्चों को तो मैं पहले से भी जानती हूँ, लेकिन जो बच्चे नया एडमिशन लेके आए हैं वो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे, ताकि मैं उनसे रूबरू हो पाऊँ और वो बच्चे मुझसे रूबरू हो पाए। मैम, जो फेल हुए हैं उनको भी बताना है क्या, वो कौन है, कहाँ से हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, आप रहने दो, आपकी तो पूरी कुंडली ही मेरे पास है, आप तो पिछले 3 साल से इसी क्लास में पढ़े हो। चलो ठीक है, तो बातें तो इसी तरह चलती रहेंगी, अब जो जो नए बच्चे हैं वो एक एक करके अपना इंट्रो देते चले जाओ। मैडम जी, मेरा नाम काजल है और मैं बहुत सीधी छोरी हूँ, मैं बहुत सामान्य परिवार से आती हूँ, और हमारे यहाँ 2 भैंस भी हैं। और अरे अरे बैठ जाओ, आप इंट्रो देना था बेटा, पूरा निबंध नहीं सुनाना था अपने ऊपर। ए मैडम जी, देखियो घर पे तो मो कोई बोलन ना देवे, मैं तो ये हमारे बोल रही। मैम, मेरा नाम माही है और मैं 11वीं में ना पूरी मेहनत करूंगी ताकि मैं 12वीं में ना फर्स्ट डिविजन ला सकूँ। वेरी गुड बच्चे। मैडम जी, मैं भी 11वीं अब सीरियस ले लूंगा, पहले तो मैं नहीं समझ रहा हूँ। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बैठ जाओ। खड़ा हो जा, तेरा भी तो मेरा एडमिशन है।
तो पूछो। अरे इंट्रोडक्शन दो। ओह नो। इंट्रोडक्शन ना ला मैम मैं तो। अरे अपना नाम बताओ, अपने गांव का नाम बताओ, अपने पिताजी का नाम बताओ। हाँ? मेरा नाम अमन भाटिया जी और मेरे बाबा का नाम श्यामलाल भाटिया जी। मारगा मंदहल है। आप 11वीं कक्षा क्यों करना चाहते हो ये बताओ मुझे। 11वीं ब्याह के मारे। देखो बलवंत राय जी, तुम दिल के बहुत अच्छे हो और वैसे भी बहुत सच्चे हो, पर तुम जो हो ना एक जगह से बहुत कमजोर पड़ रहे हो। कमजोर? कमजोर कैसा जी? अजय ऐसा कुछ ना बलवंत राय जी, गलत कह रहे हैं चाचा। ओह नो। थोड़ा बोल ले खाली, थोड़ा बड़ो तू है हमें। बड़े तो चाचा तुम ही हो यार। बड़े हमें तो बात बीच में क्यों काट रहे हो? चुपचाप ये चाय पे ध्यान दे ले अपनी पे। अरे तुम हमसे यूं कह रहे हो कि हम कमजोर पड़ गए? हम काहे में कमजोर पड़ गए? यो 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 एक एक पैग और बना अभी। अभी मुंड ना बना बना। जी बलवंत राय जी एक बात जाननी चाह रहा मैं तो, ये जो इतनी संपत्ति पड़ी है, इतना बड़ा हाथ, देखो ना पीछे को, सब तुम्हारा ही है क्या? बलवंत राय के कुत्ते, चुप हो जा चुप। भाई बलवंत राय जी तुम्हारा कुत्ता तो चुप ही ना हो रो, तुम ही चुप करो, तुम्हारी बोले कोई। टॉमी चुप चुप। भाई ये तो तुम्हारी बोले है, तुम्हारी मन है ये तो, यही बात में जादू झप्पी तो आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ढंग से जादू झप्पी। बहुत बढ़िया काम कर रहा तुमने, टॉमी चुप कर दिया। मौसम कैसे? हाँ तो है ना बलवंत राय, बहुत बड़े आदमी है तू। अजी मैं जो कह रहा हूँ रोटी बनवा दूँ अब। तू बावड़ो था ना, मैं रटका हुआ हूँ कोई रोटी खा तो डोलू मैं। अरे ना मैं तो यूँ कह रहा हूँ कई पैक हो गए, अब रोटी हो जाती है। अभी तो श्यामलाल समझ ही ना पाए, यह चीजें कोई और ना बताए तो, जितनी तू पी है ना
उतनी तो मैं कांध में गिर के सो जाऊं। ये प्लेट खाली पड़ी है, तेने अपना नाम तो धर लिया बलवंत राय है, तो इन प्लेटन ने क्यों ना भरवाए। और भैया ते बस की ना होवे तो इन प्लेटन ने यहाँ तो हटवाए। ये अभी तो भरी पड़ी है जी। वे भैया सोचता तू छोटी लिए पड़ा, हम तो तेरी हैसियत को देख कर ये सोच रहे बलवंत राय का मिजाज बढ़िया होएगा है, दिल तो तेरा वो ये चूहे वाला ही। लाऊं तो जी लाऊं, बैठो अभी। अरे अरे सुन रे, दो दो पिन्नी और ले आइयो। पिन्नी पिन्नी को क्या करोगे? तेरी फूट रही दिख है, दिख ना रहा घटा हो रही है, मौसम खराब है, बारिश होने वाली है। मोबाइल धरंगे वहां में मंडल मोचिस धरंगे जब तक तो भैया बलवंत राय एक काम करियो, मेरे लिए एक पिन्नी अलैदा ले आइयो, चाचा श्यामलाल ना धरवाने का मेरे फून को। हाँ अलग ले कर जा। अबे मकार, ए हमारे सुन ले, ये जो दुमकाए है ना अभी जेब में, आधे चाहिए ना, मैं तो फिर बता रहा हूँ। जरा से तो चाचा ये है ही ना, मैं क्या आधा ले, अब लाएगा ना प्लेटों को भर के, उन्हों कोई डाल लेंगे पिन्नियों में। मुझे पता तुमने पिन्नी किस लिए मंगाई, तभी तो मैंने मौके पे चौका मारा तुरंत। ए चाचा क्यों इतना पी रहे, जहर को है, मुझे उठा के ले जाने पड़ जाओगे यार, रहन दो बस। कौन सी बोतल है? 8 PM। अच्छा सांझ को 8 बजे, यान तो दिन में प्यादी पर। अब चाचा ऐसा आज तो रहन दियो, आज का लेदा चलो किसी दिन स्कूल में, पी खा के जाना मेरे हिसाब से सही ना रहने का ना। तू क्या सोच रहा हूँ, मैं आज ही जाऊंगा। एक ऐसी बलवंत राय पे घर को और धरवाई है, आज पूरे दिन पीने, कल कल आलिया आलिया बलवंत राय, कल को चलेंगे। बिखेरता तो लाया हो ना, कभी आधे ही तक कर ली हो। पिंदी ना लाए, पिंदी दे दे। भाई बलवंत राय बहुत बड़े आदमी है, तो बहुत बड़े। अरे मैं तो बस यू कह रहा है, अजय की मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रह हुआ है, और वह बालक के फेर पड़ जाते तो हमें भी 2 रोटी की आराम हो जाता। ना दिक्कत बदले, तू भगवान से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर, सब ठीक होगा। हाथ जोड़ ऊपर को भगवान से प्रार्थना कर, जो के अगर भगवान मुँह पे कोई गलती हो गई है, बाकी मैं माफी मांगता हूँ। अरे माफ करियो, ठीक है ना? अरे मेरा थोड़ा सा ख्याल रखियो भगवान, नार भी हिलाता रहे ऐसे ही सुनेगा भगवान। मेरी मनोकामना पूरी करियो, मेरे बालक अजय पे अपनी कृपा बनाए रखियो, ठीक है ना? अरे
बस बस पूरे गांव को ना करनी प्रार्थना। अरे यही बात यह मंत्र जो है ना, सुबह शाम हाथ जोड़ के भगवान के आगे, ठीक है ना। एक दिक्कत और, तुम्हारी कृपा जो है ना कहीं रुकी पड़ी है। कृपा रुक रही है जी? कहाँ कृपा रुक रही है? खाली धर अपनी बात, धर धर यही मौका। देखो बलवंत राय, जब जो मैं तुम्हारे सामने कहूंगा, हो सकता है उसको सुनकर तुम्हें जो गुस्सा आवे, है ना, पर मेरी बात का इलम समझना, बुरा ना मानना। तुम, तुम्हारी जो औलाद है वो स्कूल में पढ़ाई ना कर रही है, तुम्हारे नाम को और तुम्हारी दौलत को मिट्टी में मिला रही है। भाई साहब ये क्या कह रहे हो आप? मैं भाई साहब ना कह रहा, पूरा जमाना कह रहा तेरे लौंडे के लिए तो। अरे गलत है, सब गलत कह रहे हैं जमाना, ऐसी बात ना है। बलवंत राय ज्यादा मुकदम ना बने करते, समझ गए ना। तेरा लौंडा पिछले 3 साल से 11वीं में फेल हो रहा, आज तू जमाने गलत बता रहा है। अगर अपने बालक को भला चाह रहा हो ना, तो बाकी खा ले उधेड़ दे, मैं तो सही बता रहा हूँ। ए चाचा रहन दो, किसको समझा रहे हो, इसमें इतनी समझदारी होती तो 3 साल से लगातार लौंडा फेल हो रहा 11वीं क्लास में, इसको इतना इलम ना, कहाँ कमजोरी है, पकड़नी ना चाहिए इसको स्कूल में जाकर कमजोरी उसकी। इसको तो पता क्या कहे इसका लौंडा, गीदड़ बतलाव है इसके लिए तो। समझ गया, यही रुक रही है तेरी कृपा। चलो तो श्यामलाल जी, आज जाके जो बोला बक्कल उतार देना, आज जाके स्कूल में कतई। अरे तू पागल था ना, बालगंज में बालक गैली चलती है जूता लेकर, यार नीचे धर, कल चलेंगे कल। ये सही बात, पी राखी अब हमने, सही ना स्कूल में जाना। ठीक है भाई, कल चलेंगे तो फिर। अब मैं तुमको जो ना रोटी बनवा दूँ? ना रोटी रहने दे, झिके पड़े हम, रोटी रहने दे। मैं ये कह रहा बलवंत राय जी, रोटियों में जो टाइम निकल जाएगा बहुत है ना, थोड़ा घर पे भी काम रहता हमारे, रुखसाना जो चिल्ला लगे। तुम एक काम करो, चाचा को और मुझको जो है ना 100-100 रुपए दे दो, रास्ते में जो दिल करेगा अपना हम खा लेंगे देख के। भाई बलवंत राय जी, देखो पहली दफा के लिए तो मैं तुमसे माफी चाहूंगा, आज से मैं तुम्हें नफरत के संग बलवंत राय नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें प्यार से बल्लू कहूंगा। अच्छे आदमी यार, बढ़िया लगा इनका व्यवहार। अभी बैठ के देखते रहोगे, गेट तक छोड़ता आओ हमें। आओ। चलो बलवंत राय जी, चलो चलो। छोड़ने वो मैं इतना नशा ना हम वो भी चल लूंगा मैं। अरे छोड़े जो मैं बालक समझ रहा हूँ, मैं चल सकूँ। मैं चाचा यार ड्रामा तो करो, मैं खड़े हो जाओ यार। आओ आगे देखूंगा, गेट खुल जाएगा।